वेला वो आदमी रो भार कम वेला और भार कम होते वो आदमी हड़को हो जा वेला हड़को जको आदमी हुए वो आदमी ऊंचो जा सके है। देखो गुब्बारा में हवा भरोड़ी है हड़को है तो ऊंचो जावे डब्बू बीजो ऊंचो जावे। हवाई जहाज प्लेन प्लेन का वजन और ट्रेन का वजन नाप लो तो ट्रेन को वजन बत्तो है जनवा नीचे फिर है लेकिन प्लेन हड़की है मटेरियल यूज हुए वो भी अलग ढंग रो मटेरियल यूज हुए ताकि भार ज्यादा ना बने और इन हिसाब से उन्हें बनावट भी है कि भार ना लागे तो वह ऊंची उड़िया करे आसमान रे अंदर। हर चीज ने देखो आप जो भी ऊंचो उठियो है वो हड़को झुको हुए वो ऊंचो उठियो है। मैं आपको एक निवेदन करनी चाहूँ सज्जनों की अपा ने भी ऊंचो उठनो है तो हड़को तो होना पड़ेगा। बार बार मैं घड़ो मत रह जी जो एक बार री बात एक आदमी हो मोटो सेठ उन्हें धंधो हो डायमंड रो हीरा रो बीजो रो व्यापार करो तो बहुत पुराना जमाना री बात है आजकल तो साधन घना हो गया लेकिन उन समय वो गांव में रहू तो और जाओ तो बारे माल बेचने वास्ते तो बीचे पड़ती नदी अब नदी पार करन जानो पड़तो हीरा बेचने वास्ते और नाव ही नाव में बैठन सामान रखन जावतो। एक दिन कई कोई तूफान बीजो आयो नदी में लहरा उठन लागी और नाव यू डिगबिग डिग में होन लागी कालजे में थोड़ा डबको लाग्यो यार यू तो कहीं नाव उल्टी हो सके ना अपन तो मर सका डूब सका की इनकी इलाज तो करनो पड़ी अपने तो रस्त हो ही जाए दूजो कोई रस्त कोनी जो की इनकी तो बचनो उपाय देख ला जको आयो पाछो गाँव गाँव आयो आपरा जका सलाहकार हा टीम बीजी ही सबने बेड़ा करिया और सबने घटना सुनाई कि आज मारे साथ ऐड होयो ठीक है मैं तो बच गो पर कहीं और भी हो सके कोई उपाय बताओ। एक आदमी समझदार हो वो क्यों साहब उपाय तो ही है कि तिरनो हीक लो ना और तो कहीं भरोसा कोनी पर तिरनो तो अपने हाथ में है तिरनो हीक लो और तिरनो जको आदमी जाने वो आदमी डूबे तो कोनी पार तो परो ला की सामान तो कहीं कोनी पर थे तो बचो। पर वो सेठ गया नहीं मैं तो बड़ा व्यापारी हूँ मैंने तिरने रो टाइम कटे है हमें कोई तिरना ही की जय ही का तो ये थे मारी रेपुटेशन खराब हुए क्योंकि टाबर नैना नैना ये थे तो गांव रा तिरे और मैं मोटो सेठ तिरने ही करने जाऊँ नदी में एर बटे गुचल का खाऊं छोरा तो तिरे फटाफट मैं बटे गुचल का खाऊं जन मारी उड़े मजाक मैं तो मोटो आदमी मजाक उड़े जन ठीक नहीं लागे इन वास्ते तिरना फिरना तुमको नहीं की जाए कोई दूजो उपाय बताओ। एक आदमी वाली टीम में जो वो देखो हम उसको ज्ञानी गतापन जाना वो क्यों साहब एक मैं तरीको बताऊं था ने कहीं नहीं करना पड़े बोले कहीं बोले ना टाइम देना है ना कोई रेपुटेशन का खराब होना है कुछ नहीं होना है काम किया करो एक राखो डब्बो हाथे बंद बिल्कुल खाली डब्बो लेकिन पेक और एक राखो रस्सी ओई काम नदी में मैसा राखो जिन टाइम एड़ो वेड़ो थाने लागे उन टाइम रस्सी हूँ बांध करो डब्बो ने कमर माते कूद जानो नदी में डूबो तो कोनी आ बात पक्की बच जाओ। सेठ क्यों ओ बढ़िया उपाय बताओ ये उपाय अच्छा है अब सा वो डब्बो खाली हाथे रखे और रस्सी हाथे रखे और बे रोज जावे डायमंड हीरारा बॉक्स भर भर ले जावे नाव में और बेचे दो तीन महीना तो मामलो ठीक रही हो पर एक दिन कोई तूफान आ गयो नाव है जो को भंवर में फंस गई नदी में आ गयो भंवर अब बा गोल गोल घूमन लगी हालत होने लगी खराब सेठ क्यों ये ऐसा कैसे हो रहा है तो नाव ऐसे कैसे हो गई नाविक ने पूछियो जो नाविक क्यों सेठ साहब नदी भंवर नदी में आई गयो भंवर आ नाव भंवर की चपेट में आ गई है हमें गोल गोल घूमे के पानी में नाव भी घूमी रहा तो डूबी तो बच्चन उपाय नावी क्यों तिरनो आवे तो कूद जाओ मैंने तो आवे तिरनो मैं तो कूदू वो तो कूद गयो। सेठ विचार करियो यार तिरनो तो अपन आवे को क्या याद आयो अरे वो डब्बो कद काम आई रोज रखा नाह में अब वो खाली डब्बो बारसी पर जुई बंधन लगा सेठ विचार करियो डब्बे बांधने से आदमी डूबने से बच जाता है बात तो सही है अगर डब्बो बांध दो आदमी डूबनो बच सके तो खाली डब्बो कहीं बांध दो मारे कंट हीरा डब्बा भरूड़ा पड़िया इस बांधना जो हीरा ही बच जाए मैं ही बच जाऊ भाई वो खाली वाले डब्बो छोड़ दियो हीरा रो भरूड़ा डब्बो बांध दियो एर कूद क्यों एर बच गई हो जो थाइज हीरा ही गया सही ठीक क्यों खाली डब्बे ने तिरवा दिया भरे डब्बे ने डुबा दिया कारण क्या है कारण सीधा सा है भार था हीरे के डब्बे में तो डूब गया और हल्का था डब्बा और उसको जिसने बांध दिया तो वो तैर गया। सज्जनों ये जीवन का सूत्र है ये जीवन का सूत्र है कि हमको भी अगर तैरना है पार होना है तो आपको भी हल्का बनना पड़ेगा। गुरुओं के चरणों में जाते हो तो कुछ भर भुरा के मत जाओ बल्कि खाली होकर के जाओ तो निश्चित रूप से कुछ भर के लौटोगे कुछ पाके लौटोगे पर खाली तो होना सीखो पहले खाली नहीं है हम
खाली होना जरूरी है तो अपा ऊपर उठ सकाला। विज्ञान रो एक नियम है सज्जनों, एक बहुत सुंदर बात है। एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जको आदमी ने हमेशा नीचो खींचिया करे, हमेशा नीचे खींचिया करे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और सज्जनों एक ऐडी शक्ति जो आदमी ने ऊपर उठाया करे। अब कोई भी चीज अपन ऊपर फेंका तो आवे नीचे, बाटो फेंको तो आवे नीचे, क्योंकि धरती की शक्ति उन्हें नीचे खींच रही है। पर एक बात बताओ, अगर कोई चीज ने ऊपर उठानी, मान लो पानी है, अब पानी ने ऊपर उठानो है तो आप कई करो ला लोग क्या बोला, सीधी सी बात है, पानी ने ऊपर पहुंचाना है मोटर चालू कर दो, मोटर चालू करो, प्रेशर रह जाते पानी ऊपर जा पड़े, लेकिन नहीं, पानी जाए ऊपर तो बैठे जाए, टंकी में जाए, टंकी में जाए तो पड़ी तो है टोई, मुझे तो रहो नहीं अदर पड़ी तो है टोई। ऐसे नहीं, आपको तो पानी को आसमान में ऐसे ही रखना है, उसके लिए क्या करना करोगे, तो सीधे सो नियम है, विज्ञान रो नियम है कि आप पानी ने करो बढ़िया गर्म, अगर गर्म करो ला तो भाप बनेला, स्टीम बनते ही वो पानी के जो भार के तत्व है वो तो नीचे बढ़ जाएंगे, पानी हल्को ऊपर भाप बढ़ो ऊपर उड़ जाए पहुंचो ही रही। सीधा सा नियम यही है कि उसको गर्म करना पड़ेगा। अब समझो इन बात में थे इन तरीकों कि आपा ने कहीं करना है, आपा ने भी ऊपर उठना है, यूं तो ऊपर उठीचे कोनी, पर एक काम करो, जैसे पानी को ताप दिया, गर्मी दी और वो भाप बन के ऊपर उठ गया, वैसे आप भी माँ के चरणों में आइएगा, थोड़ा तप करिएगा, अपनी साधना के माध्यम से, गर्मी के माध्यम से बाकी जितने तत्व है वो नीचे बढ़ जाएंगे और आप हल्के बन करके ऊपर उठ जाएंगे। अरे तो माँ भी थाने ऊपर है कि नहीं, अरे तो माता जी भी ऊपर विराजमान है और माता जी मिलने वास्ते ऊपर ही जानो पड़े हैं, तो सज्जनों दर्शन हुए हैं। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से आपने अपने अपने जीवन का सारा भार यहां सत्संग करवा करके माता जी के चरणों में डाल दिया है, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उसके बाद तो माँ ऊपर उठाएगी उठाएगी, गले लगाएगी ही लगाएगी। तो पहली बात तो जीवन में आ ध्यान रखनी है सज्जनों, अध्यात्म पक्ष की बात कि अपने संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में आनो है, शीश झुकानो है, हाजरी लगानी है। अब थोड़ी बात करूं लौकिक जीवन की बात लौकिक जीवन की बात जिमें माता बहना बैठी है, तो खास माता बहना की बात करूं। पहले अपना माता जी बात कर ली, ऊपर वाला माता जी हमें हामली माता जी बात कर लो, अब माता आप प्रवास में भी बात करूं। आपने वो करना है कि जिंदगी ने बढ़िया बनानी है, तो बढ़िया जीवन बनावा वास्ते एक बात कि आपकी बोली ने सुधारने की कोशिश करो। मैं गणी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा और शास्त्रों की गणी में मंत्र वाली बात नहीं करूंगा, जब थोड़ी न तो समझ में आवे न तो याद हुए न तो पढ़ी जाए, लेकिन मैं तो वहां बात करूंगा जो सीधी सीधी अपने दिमाग में फिट बैठे। आप तो एक काम करो, कुछ मत करो, अपनी वाणी को सुधार दो। शास्त्रों में भी यही लिखा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो है, यही बात संत लोग लिखी है, संतों की वाणियों में यही बात आवे है। पर आजकल का लोग हो गया अलग ढंगरा, वह नया नया दोहा बना दिया, वह वाणी ऐसी बोलिए सबसे झगड़ा होए, संत तो क्या वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वह क्या वाणी ऐसी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उसको कुछ ना बोलिए जो हमसे तगड़ा होए, उन टाइम से शांति डाल गई दो चार मौका दर्द तो। लेकिन वाणी चौकी राखनी, मिठास आपकी वाणी में वेला, शब्दों में सभ्यता वेला, सज्जनों आदर वेला, तो निश्चित रूप से सब आपरो आदर करेला। घर में बींदनी आई है, बींदनियां दो है, एक तो गोरी है एक काली है, परंतु गोरी वाली ने बोली नो ठा कोनी, उन्हों लाइसेंस कोनी है, तो गोरी घनी है परंतु ही लोग उन्हों दूर रहवे है, और एक काली दिखे है सांवली दिखे है घनी फूटरी तो कोनी है, पर बोली चौकी है, व्यवहार बढ़िया है, वाणी बहुत बढ़िया है, सब राखे है प्रेम, तो सब उसके पास बैठना चाहते है। कमाल किसका है, बोली का है, अपने व्यवहार रो है। मैं क्या करूं, आदमी रे रूप स्वरूपों भी असर होया कर, ऐडी बात नहीं है साहब, विश्व सुंदर सुंदरी के कंपटीशन होते हैं तो सब हुए है, वो भी एक अलग विषय है, निश्चित रूप से फर्क तो पड़े ही जाओ, फूट रो पहलो इंप्रेशन तो ही जाए कि हाँ फूट रो तो दिखे डोल तो ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं मानू कि भाई फर्क पड़े है, लेकिन केवल 15% ही असर होता है आदमी के चेहरे का, रूप का, शरीर का, लेकिन बाकी 85% जो को प्रभाव अपने जीवन में हुए है वो अपने गुणों रो होया करे है, अपने जीवन शैली रो होया करे है, अपने व्यवहार रो होया करे है। चेहरे को तो हम नहीं बदल सकते, चेहरा तो जैसा हमारा है वैसा ही रहेगा, भगवान दे दिया जगह ही रही हो, भले की लगाओ बोरो प्लस लगाओ चाहे फेरन लगाओ,
बस रहना जड़े हड़े रहना है, ठीक है। तो चेहरा तो हम नहीं बदल सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम चेहरे नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, हम चरित्र को तो बदल ही सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। हम सूरत नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, हम सीरत को तो बदल ही सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। इन बातें समझ गया तो जीवन आपरो चोखो बन जाला। ए जितनी भी लड़ाई झगड़ा टंटा घरों में चले नहीं, ए लड़ाई झगड़ा ऑटोमेटिक खत्म हो सके। चाहे दणी लुगई रहो, चाहे हासु बहु रहो, चाहे बोझई नणंद रहो कि नहीं हो है, लड़ाई झगड़ा खत्म। व्यवहार राखो चोखो। एक बात बताऊं, हमने आज दिन तक लड़ाई हुई जबकि घर में सासु बमारे कि नहीं, तो बा लड़ाई जमीन ने लेन को नहीं हुई, और रिकॉर्ड है जमीन गेणा लड़ाई गेणा लेन को नहीं हुई। सासु बहु में लड़ी वे नहीं, बिनो कारण गेणो नहीं है, बिनो कारण जमीन नहीं है, बिनो कारण दुकान धंधो भी नहीं है। तो सासु बहु री लड़ाई रो कारण का ही है, सिर्फ बोली है। सासु के मने तू योगी कर कह दियो, और बहु के थे मनी योगी कर कह दियो, बस इतनी बात। प्रेम बोलता हुआ तो कोई लबड़ो की नहीं है, धंधा करना धनी करे आप रे भाई लोग करे है, ऐ तो आप रे प्रेम उड़े जावे तो ही ठीक है। ब्याह हो जन के या करे कि छोरा छोरी रो टेवो मिला लीजो, मैं क्यों वाड़ो तो मिल जोड़ी जाए जनी ब्याह करे है मिला वो टेवो थे हाँ सुन बोलो ऐ नहीं लड़ पड़ेगा टेकी ऐ लड़ लेना। प्रेम राखो, कुछ सासू कह दे तो आप भी सहन कर लो, जबकि बहु बैठी ब्यासु ने बेदन के सासू की जोरू कह दे तो अपने सहन कर लेनो के वाकई को नहीं कह दियो तो कह दियो मने जन्म दियो जकी माँ है आ सासू माँ है बल डबली जे तो कह दियो तो काई फर्क पड़े सहन कर लो के नहीं। और बहु कोई गलती कर दे तो सासु वासु निवेदन करूं कि थे भी हंसता हंसता माफ कर दी राजो, तो घर में लड़ाई समाप्त हो जाएगी। बहू को बेटी समझ लो, सासू को माँ समझ लो, आज अभी इसी वक्त आपके झगड़े टंटे खत्म हो सकते हैं। घर जो नर्क बना था वो स्वर्ग बन सकता है। बहुआ से निवेदन है कि गलती हो जावे तो तुरंत माफी मांग लेनी, और ओ सोचन माफी मांग लेनी सासू सु कि सासू तो मोटी है मैं छोटी हूँ, और मोटा माफ नहीं करेला तो और कुड करेला, एड़ो होच अपने माफी मांग लेनी, कोई शर्म नहीं रागनी, कई शर्म है सॉरी कहना, कई शर्म है कह दो भाई गलती होगी से, तो एड़ो सोच करो सासू तुरंत माफी मांग लेनी कि तो मोटा है मोटा माफ नहीं करेला तो और कुड करेला। और सासुआ से निवेदन है कि थे एड़ो सोचन माफ कर दिया करो कि बहुत उम्र में छोटी है, छोटा गलतियां नहीं करेला तो और कुड करेला, और लेट गो। बस यही तो होता है। एक कहानी सुनो था ने, जीवन की लड़ाई थाने समाप्त हो सके हो, आ लड़ाई रो कारण बोली है, बोली में भी आदमी जब तू ता मत आ जावे नी हम हम जन गड़बड़ हो जाया करे। एक बार भी बात है, एक गांव में महाराज सत्संग करी, खूब लोग सत्संग सुनने वास्ते आवता। एक बीनणी ही भाई सत्संग सुनने आवती, जड़े बाप जी भी सत्संग चौकी लागी। एक दिन महाराज मिलीर के बाप जी मारे एक समस्या है आपको बात करनी। महाराज को बोलो बेटा, तो के बाप जी मारे घर में लड़ाई गणी है, शांति को नहीं अशांति गणी है, सासू तो बाप जी में पूछो ही मती में, सासू तो बहुत लड़े, तो थे कि उपाय बताओ मार लड़ाई खत्म हो जाए। महाराज क्यों ठीक है बेटा, कल सुबह ही जे 8 बजे यहाँ थे एक पानी दे मंत्र पढ़ो और बढ़िया, और भी उतार वो चमत्कारी पानी है जो लड़ाई खत्म हो जाए। एक काम कर जाए आउती खाली बोतल हाथ ले नहीं जो पड़ी, ठीक है वह आएगी 8 बजे। महाराज पानी मंत्र तैयार रखे, वो मंत्री और पानी गाल दियो बोतल में ले जा और तरीको देख ले लो कहीं के थारे घर में लड़ाई जद हुए तो आ घूंट भर लीजिए पानी दी, जो ही लड़ाई चलू हुए तो जान घूंट भर लीजिए पानी दी। एर जितनी देर लड़ाई चाले थारी सासू को कोई भी लड़ाई करे तो जितनी देर लड़ाई चाले बीती देर तक वो पानी मुंडा में राख जे, न तो थूकनो न गिटनो, गिट जे मती भूल में ही, जे गिटगी नहीं पानी तो बड़ी लड़ी जाप रही पेट में कर दे गड़बड़, तो थूक गिट जे मत एर थूक जे ही मत, पर लड़ाई पूरी हो जावे जन ओले एक जान थूक दीजिए बारे और आप बोतल राख दे ठाए ठीक है। अब आ गई परी महाराज रही अन्य सत्संग पूरी होगी। अगले दिन महाराज साहब रह गया परा आ देखियो हमें बाप जी दियो प्रयोग कर रहा, दो एक दिन हो यार लड़ी तो होगी। सासू तो बोलती एड़ी लड़ी करने वाली बात जो की कह दियो और लड़ी होगी, अन्य बहू ने बिचारा अरे लड़ी होगी पर बाप जी दियो पानी, आज पानी काम करा पानी रो उपयोग करा, जो गई घूट भर लियो पानी रो। अब सासू बोले है यूं है नबियो है थने चेतो कोनी इन थूकी ही की कोनी थने संस्कार कोनी नी कोनी घर रो ध्यान कोन लागे थूं करू जा। अड़ने बहु नहीं री आवे क्योंकि भाई बोलड़ी थी ही बंदी लड़ाई तो करोड़ी थी इतना दिन, अब पावर तो भी नहीं आवे पर मुंडा में पानी आज बोली चे नहीं।
તો ઘણા કરે, આ તો ઈશારા કરે પણ બોલી છે નહીં. મન તો કર્યું થૂક તો પાણી પાણી ગયો બાળ. આમે જવાબ દેવું તો ઈસ્ટર્ન ગંધી તરફ ગોળિયા નીકળે તો ગાળિયા નીકળે, પણ તોય નેચો રાખ્યો. બોલે નહીં નહીં મહારાજ, કેવો લડી તો મેટ નહીં આપે આપણે. વાસ આ આધા ઘંટા લડી ચાલી. સાસુ તો બોલ બાલ થાકી, કેમકે એકલી બોલ કીધી બોલે સાસુ હમી બહુ તો બોલી ગુની. તેને બહુ રોગળો દુઃખ લાગો, સાસુ થાકી, સાસુ રોગળો દુઃખ લાગો, સાસુ થાકી એર બહુ એ જગો પાણી બી થૂક દીધો. પછી બહુ નિષ્કર્ષ નીકાળ્યો કે પાણીનો અસર કીતો ગયો. એને બા વિચાર કર્યો કે રોજ લડી ચાલતી એક ઘંટા, આજ આધા ઘંટા એમની પડી, એનો મતલબ પાણી કામ તો કરે. એને બાપજી પાણી તો બઢિયા મંત્ર દીધો. ઠીક હે ભાઈ, આગે ઓર કદી પ્રયોગ કર. આવ યુ કરતા કરતા 5-7 દિનો યાર ઓર કોઈ બાત હોય, ઓર કોઈ લડાઈ હોગી, બા પાણી ગોંઠ ભર લેતી એર હમી એ જગો કરતી થોડા બહુ ઇશારા, પણ સાસુ એકલી બોલ બાલ રહી જતી, જો 15-20 મિનિટમાં લડાઈ ખતમ હો જતી. કરતે 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 2-3 મહિના મેં તો એકદમ ઘર મેં હોગી શાંતિ, ક્યોંકિ સાસુરી સમજ મેં આઈ ગઈ કે આજકાલ મારી બહુ પાછો જવાબ તો દેવી કોની, આ કી બોલે કોની, ઓર આ નહીં બોલે જેને મેં તો જોર જોર ક્યો આગા કરું, ભૂંડો લાગે મારો લો કાંઈ કહેવે, લો આ બુઢી હારી હોની કે શરમી ગયો. એને ભૂંડો તો મારો લાગે, આ આડા માડા કંઈ કહેવે મને કહેવે હે. એર બહુ રીતે ઇજ્જત લાગી જાય, ભાઈ આપણે ક્યુ લડી કરા, ક્યુ ભૂંડો લગાવો. ઓર બા સાસુ એ જો બા બી શાંત હોગી, કણી કોઈ બાત હોતી ભી તો બા પ્રેમ કેવતી, પણ લડન કોની કેવતી. દેખો આ યે ઠીક નહીં હે બેટા, ઓ ધ્યાન રાખજો, યો પ્રેમ કેવતી બહુ બી માલ લેતી. કરતા કરતા 6 મહિના બીત ગયા. 6 મહિના પૂરી લડાઈ ખતમ હોગી. જોગ સંયોગ ની બાત ભાઈ જ, મહારાજ 6 મહિના બાદ ને પાછા આયા સત્સંગ કરીને. બેને ઠા પડ્યો, બા ગઈ મહારાજ સત્સંગ ને, સત્સંગ સુણી ઓર કયો બાપજી, પજ મિલી ઓર કયો બાપજી, ન્યાલ કર દિયા હે બેટા, કઈ ન્યાલ કર દિયા. તો કે બાપજી થે આયા 6 મહિના પહેલા સંગત કરીને, મેં આઈ થણકને, મેં પાણી મંત્રણ લેન ગઈ થણકનું, બોલ લડાઈ હોતી મારે ઘર મેં, થે એડો પાણી મંત્રણ દિયો બાપજી, લડાઈ ખતમ હોગી, મારે ઘર મેં શાંતિ હોગી બાપજીઓ. મહારાજ કહ્યું, વાહ ભાઈ ભગવાનની કૃપા હોગી, તું તાર ઘર જાપડી. તો કે નહીં નહીં ઘરે જ જવું, પણ એક વાત બતાવો, તે પાણી મંત્રીઓ બે મંત્ર કાંઈ દીયું છે, બહુ બોલતા મંત્ર, બહુ મંત્ર લીકર દીધો. મહારાજ કહ્યું, થનગઈ મતલબ મંત્ર, અરે બાપજી મારે ઘણા હે રિશ્તેદાર હેડા, ઘણા લડે હે, તે મને તો મહી આગે કે નહીં દેવું, અરે પાણી બીજા મંત્ર મહી કહી લડાઈ મેટું, જગો મંત્ર દોર બોક્યો પાણી ઓર કાંઈ કટી મંગાવણો નથી, મંગાવવા પરો બાપજી સ્પેશલ હો, વાત તો તગડી. મહારાજ કે બળંદી થાય થારો કામ ઉગ્યો, તું તારે ઘર જા. બોલે નહીં બાપજી બતા દો, કયો પાણી હો, ગંગા જળ હો, જમના જળ હો, કયો. મહારાજ કે સાચી વાત બતું, બોલ બતાવો. બોલ સાચી વાત આ હે કે ના ગંગા જળ હો, ના જમના જળ હો, ઓ તો હો નળ જળ, ઓ અપોણ ટૂંટિયાળો, ઓ જો કોઈ સ્પેશિયલ પાણી કોની હો, અરે મેં કી મંત્ર કોની ફૂંક્યા, મેં તો ખાલી તને યુંજ પાણી ભરન દિયો, ઓર તરીકો બતાયો, તરીકો મેં એનો ફોર્મ્યુલા થા કે જબ લડાઈ હો જાય તો પાણી ભર લેના મુંહ મેં, ઓર પાણી ભર લેને કા મતલબ થા યે કે તું વાપસ બોલ ન પાએ, આ લડાઈ જીતતી ભી હોતી હી, આ થારે હામી બોલને રે કારણ હોતી હી, પર પાણી રે કારણ થારું હામી બોલીસ તો કોની, તો લડાઈ વટેરી વટેરી ખતમ હો ગઈ. એસલી હંમેશા લડાઈ કા કારણ ક્યા હોતા હે, પાછો હામી તું તા કરડો. એક જણો દો બોલી, પાછો હામલો 4 બોલી, જણ 8-8 નીકળી, બટો 16 વેર, પછી 32, પછી બસ આગે હું આગે ગણિત બળતો જાય, બહુ રૂકે ખોન. લેકિન અગર એક બોલ્યો હોય પાછો હમ કે નહીં બોલ્યો હોય તો વો બોલન કાંઈ બોલી, ફિર મલ્ટીપ્લાય નહીં હોતા, ઇસકે ઇસકે બાદ લડાઈ આગે નહીં બઢતી હૈ. ઇન વાસ્તે માતાઓ આપસો નિવેદન હે કે થેન બાત રો ધ્યાન રાખજો, કે કણી કી છોટી મોટી બાત હોઈ જાય તો પાણી તો ભલે મુંડા મેં ભરજો યા મત ભરજો, પરંતુ વાણી પે કંટ્રોલ રખ લેના, મૌન ધારણ કર લેના, તો અપને આપ આપકા ઘર સ્વર્ગ બન જાયેગા, લડાઈ મેં કમી આ જાયેગી ઓર શાંતિ ભી આ જાયેગી. હાલાંકી બાગોરિયાની માતા બના તો સબ બધી જ વહેલા હો, થાણી બાત નહીં કરું મેં તો, પણ બાત આવી જણે કહેવું કે કદી ધ્યાન રાખજો, એ તો થતો એમ બડી જો બડી આવ જણે તો થેટ આવી હો કથા અમની તો કથા થોડી આવતી. અબ ઘર પરિવાર અચ્છા હૈ, સબ કુછ બઢિયા હૈ, આપ લોગો કી બાત મેને આપકો બતા દી હૈ. અબ થોડી સી બાત કરતા હું, યે જીતને ભી યુવા બેઠે હૈ હમારે, આપ યુવાઓ કી બાત કરતા હું. દેખો આપરે વાસ્તે ભી મને થોડો સો નિવેદન કરનો હૈ, ઓર આપ ઇસ દેશ કે કર્ણધાર હૈ, આપ ઇસ દેશ કો નયા આકાર દેને વાલે હૈ, આપકો સંસ્કાર દેને જરૂરી હૈ. મેં કહા કરતા હું, ઘર મેં કાર બાદ મેં લાઈએ, પહેલે ઘર મેં સંસ્કાર લાઈએ, સંસ્કાર આ જાયેગા તો સજ્જનો કાર ભી ચાલેલા તો બઢિયા ચાલેલા, નહીં તો કદી ભચડો ખાવેલા. તો ચોખા સંસ્કાર હોના જરૂરી હૈ. યુવાઓ આપ
इस देश के भाग्य विधाता हैं, आप वो नौ निहाल हैं जो इस देश को निहाल कर सकते हैं। इतना जज्बा ईश्वर ने आपको दिया है, अब आपके लिए दो चार बातें बता देता हूं। नंबर एक, पहली बात तो आ कि अगर आगे बढ़नो है आपने, तो आगे बढ़वा वास्ते अपने कने कई चीजें पावर, जब तक पावर नहीं वेला जितने थे आगे नहीं बढ़ सकोला। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है पावर चाहिए, और पावर किस बात का, कटुलाओ पावर, जो मोबाइल चार्ज करो तो प्लग में लगाना पड़े, तो आपको कहां से पावर मिलेगा वो बताता हूं मैं, पावर सप्लाई कहां से होगी। एक महाराज आ, वे महाराज हाँ सत्संग कर रिया, एक नैनो टाबर हो और वो नैनो टाबर महाराज रे हम ही बैठो सत्संग में, एक भजन महाराज गायो, दो भजन गाया, तीन गाया, चार गाया, घंटा बीत गया, दो तीन, वो छोरो यूं यूं बैठो भजन होने महाराज के, और टाबर देखो थे कहीं बेराग लगो ही नहीं, एकदम भक्ति गणी जागी महाराज, एकदम प्रभावित हो गया, उन्हें बुलायो बेटा तो क्यों उठे बैठो है, आ तो थारी उम्र का वार खेलवा कूदवा रही है, तो जा मौज कर खेल कूद, तू कहीं सत्संग सुने, तो बुढ़ापा में सत्संगा कर जाए हम जा खेल। छोरो कहो नहीं महाराज, मारो मन घणो लागे सत्संग में, खेलवा कूद में मन नहीं लागे तो सत्संग में मन लागे, पर महाराज कहो थारी उम्र को नहीं, अमार अमार उम्र थारी खेलनी कूदनी है, जा खेल कूद। छोरो के वाह जन गिरे मिटे, अपन बुढ़ापा में कर, ओ कोर्स अमार को नहीं अपन कौन, अपन बुढ़ापा में कर। पर छोरो गियो और पाछो आयो और आन कहो महाराज एक बात बताओ, बोले कही कि एक बात बताओ, बगीचे रो मालिक कौन हुए महाराज, क्यों सीधी सी बात है सब नहीं ठाए, बगीचे रो मालिक वे माली के मालिक वही होता है, बोले हाँ, तो एक बात बताओ बगीचे रे अंदर फूल भी उगे, बोले बिल्कुल, और कोई कोई फूल वे जगह उगया को नहीं है जो कड़िया ही है, बोले हाँ, तो कम बात कही है, बोले बात आए कि वो माली जावे तो वो पहला फूल ने तोड़ी कि कड़ी ने तोड़ी, महाराज क्यों तोड़े तो वो तो किणी भी तोड़ सके, वो तो मालिक है, अरे बिन जिते चिकन तोड़ दे, बिन कड़ी रो जरूरत में तो कड़ी तोड़ दे, अरे फूल की जरूरत में तो फूल तोड़ दे, बिन जचे चकी बिन मर्जी की बात है वो कोई भी तोड़ सके। तो वो टाबर पाछो कहे महाराज ने के बाप जी मैं भी आई इस बात कहनी चाहूँ, वो संसार है बगीचो, अरे दुजोड़ा जगह बैठा है बूढ़िया मोटकिया, ऐ तो है इन बगीचेरा फूल, पर मैं हूँ इन बगीचेरी कड़ी, अरे इन संसार रो जको बागीचा रो मालिक है वो है यमराज, उनो का ही भरोसो है, वो तो कड़ी भी तोड़ सके फूल भी तोड़ सके, बाप जी मारो बुढ़ापो आयो ही नहीं, वैन पहले ही टिकट कट गो, वे तो एक बात बताओ अगर बुढ़ापो आयो ही नहीं, वैन पहले ही उन्हें जरूरत पड़ गई कि भाई तेरा तो हो गया समय, पहले ही मारो टिकट कट गयो, वे तो पचे भजन गुण कारी पचे। महाराज क्यों बात तो बेटो बेटा तूने बहुत सही कही, कमाल कर दिया तूने और मेरे को चुप कर दिया, तो बेटा अब बोल तू कहीं चावे, बोले बाप जी कोई अड़ो उपाय बता दो जो को मने भगवान मिल जावे, अरे मारो जीवन एनर्जेटिक बनो रहे। तो महाराज कहो कि दो उपाय है, एक जिसमें तू भगवान के पास जाएगा, दूसरा जिसमें भगवान तेरे पास में आएगा, बोल क्या चाहता है। छोरो बहुत होशियार हो नैनो पर होशियार गणो, ओ क्यों बाप जी दुजड़ो रस तो ठीक है, मैं भगवान के करने जाऊं नहीं, एड़ो की बताओ कि भगवान मारे करने आए। तो महाराज कहो एक काम कर, थने कई नहीं करनो है, थने कोई शास्त्र पढ़नी जरूरत नहीं है, कोई वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, थने घणी की माता पूरी करनी जरूरत नहीं है, एक काम कर जे सुबह उठ जे और सुबह उठ करो, एक तो धरती माँ ने प्रणाम कर जे आत्रा दर्शन कर जे, और बिरे बात थारा माता पिता है घर में, शीश झुकान बयाने चरणों में माथो रख और बयाने प्रणाम कर लीजिए, एक एक दिन भगवान तुझे जरूर मिल जाएगा। पर सज्जनों ये हकीकत है, महाराष्ट्र की घटना है, महाराष्ट्र के अंदर एक बालक हुयो, वो माता पिता रो बड़ो भगत हो, माता पिता री पूजा अर्चना करतो सेवा करतो हो और भगवान री भक्ति भी करतो हो, एक बार भगवान आ गया मिलने वास्ते, भक्ति के कारण राजी हो गया और उन्हें घरे द्वार माथे आया और बारे उबा होया और कहो भगत मैं आ गया दर्शन देने के लिए, आज उन टाइम छोरो माँ बाप री सेवा करतो, और महाराज ने कहो भगवान ने कहो भगवान अभी मेरे को समय नहीं है, मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं मारे माँ बाप की सेवा कर रही हूँ, यानी पूजा कर रही हूँ, थे आया हो पर मने टाइम नहीं है, मारे पहला माँ बाप है पचे थे हो,
भगवान के सामने एक ईंट फेंकी उसने और उस ईंट पर भगवान खड़े रहे। जब तक सेवा नहीं हो गई माँ बाप की तब तक भगवान ने उसका इंतजार किया और पचे जान भगवान उन्हें दर्शन दिया। तो सज्जनों पंडरपुर नाम से एक बड़ो धाम है और बटे पंडरीनाथ बिराजे हैं। आप लोगों के दर्शन करने गए आप जैसे गए तो ऐसे ऐसे लोग गए और वहां दर्शन करते हैं। आज भी बड़ो मेड़ो ला गया करे सज्जनों, लेकिन उस भगत की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उसने माँ बाप की पूजा की है। एक बात समझ लेना सज्जनों कि भगवान ने माँ बाप बनाए हैं, सही बात है, गलत तो नहीं, सबको भगवान ने बनाया तो माँ बाप को भी भगवान ने बनाया। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं और वो ये कि हाँ जरूर माँ बाप को भगवान ने बनाया होगा, परंतु पता नहीं, पर एक बात तो तय है कि माँ बाप ने भगवान को जरूर बनाया है। क्योंकि इसी देश के अंदर एक माता कौशल्या हुई जिसने भगवान राम को जन्म दिया, जिनकी रामनवमी हम लोग मनाते हैं सज्जनों। और ये पर्व रामनवमी का पर्व है और आज राम जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, पर वो माँ को प्रणाम है जिसने उनको जन्म दिया। इसी देश के अंदर सज्जनों यशोदा जी हुई और बा यशोदा जी या देवकी मैया बा कृष्ण भगवान ने जन्म दिया, बा भगवान कृष्ण ने माना है, बा माँ नहीं होती सज्जनों तो बोलो कौन कृष्ण के दर्शन करवाता हमको, कौन राम के दर्शन करवाता हमको? युवाओं मैं आपको टारगेट करके बात कर रहा था और कह रहा था कि पावर लेना है आपको तब आप आगे बढ़ोगे, और पावर लेने का तरीका यही है कि सुबह उठते ही माँ बाप ने प्रणाम करनो और बहनों आशीर्वाद प्राप्त करनो तो निश्चित रूप से आपने पावर मिलेगा। थे मोबाइल चार्ज में जो चार्ज हो जाओला और पछे दिन भर में कठे लारे मोड़े नहीं देखनो काम नहीं है, क्योंकि माँ बाप रो आशीर्वाद प्राप्त होंगे और भगवान रो आशीर्वाद मिल गयो। इन्हें भगवान रो आशीर्वाद और माँ बाप रो आशीर्वाद दो मिल जाए तो उन्हें पचे लारे रेवे ही कही है सज्जनों। मारो भी आशीर्वाद प्राप्त करनो है और पिताजी रो भी आशीर्वाद प्राप्त करनो है। पचे ओ मत देख जाओगे मैं तो पटिया लिखे आन माँ बाप तो की जाने ही कोनी, एक छोरो आयो मार के मन प्रणाम करे, मैं क्यों पढ़ रहे मार प्रणाम री भूखी बन, मैं क्यों मैं तो थारो साथी भाई कहीं प्रणाम करे अपना कोई प्रणाम री भूख नहीं है, लेकिन तू थारे माँ बाप ने प्रणाम करे कि नहीं करे वो क्यों पहला कर तो अब गुन करूं, मैं क्यों पहला कर तो मतलब मारे मन में प्रश्न उठ गयो, मैं क्यों मैं माँ बाप गया पर गई हम करे कोई कई बात है भाई कई हुई हो तारे तो क्या पहला कर तो माँ बाप तो बैठा है बाप जी पर पहला कर तो हम कौन करूं, मैं क्यों पहला कर तो हम कौन करे माँ बाप बैठा तो ही नहीं करे। कारण कही है कि पहला तो टाबर हो कि हम तो कोनी पढ़ो लिखे हो कौन जन माँ बाप ने परिणाम कर दो हमें बी ए फाइनल कर ली यार माँ बाप पांच ही फेल है जिन मैं देखियो कि अपन आगे आ अब कहीं परिणाम करना बन अपन पहुंच ज्यादा जाना। अरे मैंने कहा पागल विद्या ददाति विनियम, विद्या तो उल्टी विनम्रता प्रदान करती है प्यारे, उल्टा तेरे को ज्यादा झुक जाना चाहिए था, जिस पेड़ के फल ज्यादा होते हैं वो पेड़ और ज्यादा झुक जाता है, तुझे भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद माँ बाप के चरणों में और ज्यादा झुक जाना चाहिए था। और याद रखना मित्रों माँ बाप आपसे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप माँ बाप से ज्यादा विद्वान हो सकते हैं, आप माँ बाप से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में स्मार्टफोन है, आपके पास में कंप्यूटर है, आपके पास में लैपटॉप है, आपके पास में बहुत सारे संसाधन है। माँ बाप को शायद चलाना आता हो या ना आता हो, आप गूगल में बहुत कुछ टाइप करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पैसे भी ज्यादा कमा सकते हैं, माँ बाप इतने पैसे न कमा सकते हो, परंतु याद रखना पैसे में माँ बाप से आगे हो सकते हो, ज्ञान में माँ बाप से आगे हो सकते हो, जानकारी में माँ बाप से आगे हो सकते हो, वो सब चीज में आप आगे हो सकते हो और माँ बाप आपसे पीछे रह सकते हैं। पर ध्यान रखना माँ बाप की जो नियति है आपके लिए वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है, वो सदा अच्छी होगी कि मारो बेटो या मारी बेटी हमेशा महू और बेहतर बढ़नी चाहिए। आ सोच दुनिया में और किन्हीं नहीं हो सके है, कोई भी आदमी अड़ो नहीं थोड़ो ही कोई आगे बढ़ते हुए तो अगले ही टांग खींचने की कोशिश करे है कि इन्हें तो एटो पटको कठे आगे जाए, लेकिन माँ बाप एक अड़ा है या फिर अध्यात्म जगत में गुरु एक अड़ो हुए जो को हमेशा चाहे कि मारो चेलो आगे बढ़ना चाहिए, जो हमने नहीं पाया वो हमारे शिष्य को मिले और माँ बाप भी चाहते जो हमने नहीं पाया वो हमारे बेटों को मिले। इन वास्ते माँ बाप रो आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी। तो पहली बात तो एनर्जी री थंठा पड़गी सुबह उठता ही कर दर्शन करना, धरती माँ ने प्रणाम करना, हाथ ने देखना मतलब कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम कर के वे हाथ ने हाथरा दर्शन करना। थे जिन भगवान ने मानो बिन भगवान की फोटो थोड़े हाथ में दिख जाए, थे माँ दे जिन मानो तो माँ दे जी दिख जाए, बाबू जिन मानो बाबू जी दिख जाए, माता जिन मानो माता जी दिख जाए, अरे थोड़ा माँ बाप है तो माँ बाप दिख जाए, क्योंकि वो जिनी जिनी भावना है वे आपे आता में दर्शन हो जाए, बड़ो आशीर्वाद मिल जाए तो भी बढ़िया। लेकिन आजकल वो मामलो दूजो है, आजकल प्रभाते कर दर्शनम नहीं, अब तो प्रभाते कप दर्शनम, सुबह उठते जाइए चाय अगलो पहला चाय, और चाय वालों तो अड़ो मामलो है। अरे आज से 150 साल पहले चाय नहीं थी हमारे देश में, कोई मतलब ही नहीं था,
लेकिन सज्जनों अंग्रेज लोग आए, वो चाय लेकर के आ गए और चाय पे उन अपन लोग धड़ो पकड़ लियो और जिंदगी कर दी बर्बाद। मैं कहता हूँ माताओं बहनों बच्चों युवाओं बूढ़ों सबरे वास्ते एक बात बताऊं, बात थान बात बहुत कामरी बात है, सुबह उठते चाय पियो नहीं, इन बीच एक काम करो गर्म पानी पियो, ज्यादा गर्म नहीं कर लो, थोड़ा गर्म कर दो, ओम थोड़ा दाना नेको तो बोली दाना नेक दो, उबाल दो उसको और उबाल करके आराम से एक एक घूंट आप भरो। कहा जाता है आयुर्वेद में भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, उल्टी बात कि धीरे धीरे घटाघट घटाघट नहीं पी लो, ओले ओले आराम पानी पियो सुबह सुबह और उकड़ू बेड पर पानी पियो तो पेट भी साफ रहेला। और एक बात तो है कि गोडा नहीं दुखेला कमर नहीं दुखेला थे, 80 साल का डोकरा हो गया लेकिन तो भी डोकरा नहीं होला था, यो जवान बनोड़ा रहे ओला बराबर दौड़ सकोला। ये पानी गर्म पानी पीने से ये होता है, चाय पी ली नहीं तो है जगह गोटी खराब हो जाए, है सब सर्विस मंगल लग जाए, पर करे कुणो कहवा कि पानी पिया करो गरम, बाप जी गरम पानी भावी को पर गरम गरम चाय उकाल जो कोई बाड़ी सुबह सही। और चाय आलो तो मामलो अड़ो है, हमें तो बड़ी छूट, क्योंकि पहले तो कही है कि चाय रो नशो अड़ो कि आंखें ही नहीं खुलती हो, आदमी उठते ही लोग इनके तो चाय बा लेना आवती चाय लो पी लो और यहाँ के बंधनों के कटे, अरे आंखे तो खोल पर बिना चाय आंखे ही नहीं खुले। पर अब चाय हो एक मोटो नशो और आए क्यों, और वो क्यों नशो है, ओ मोबाइल आल डब्ल्यू डब्बा मिले हाँ फोगट में, पर हमें लावे 10-10 हजार 20-20 हजार डब्बा, डब्बा की कीमत तो देखो थे किस्तों में डब्बो ही है 20-20 हजार डब्बा। और हालत आ है सज्जनों कि चाय तो जानो पड़े बनानी पड़े या ऑर्डर देना पड़े, लोग बनान लावे या बहन बनान लाए कोई लाई बनान लाई और अठे और तो तकिया रखनी पड़ो रहे ठीक है, उठते पानी बस सुबह की नहीं हो न मुंडो धोवे न कोई बात की नहीं और सीधो उठते एक ही जगह मोबाइल डाटा चलू करियो और सीधो व्हाट्सअप अगलू पहला तो व्हाट्सअप रेडो मैसेज चेक कर, कोई प्रधानमंत्री को मैसेज आए हुए रात का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी खाई बात, अरे भला आदमी प्रभाते कर दर्शनम तो कटी गयो और प्रभाते मोबाइल दर्शनम हो गयो। और मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मोबाइल दर्शन ने और कुछ किया या न किया हो लेकिन आपके चेहरे की हंसी को छीन लिया है, आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया है, आदमी इतना डिप्रेस्ड हो गया है, इन अंगूठों से स्क्रीन को चलाने से अंगूठों में क्या असर पड़ता होगा, हाथों पे क्या असर पड़ता होगा वो तो अभी अपने को पता चलता नहीं है, अजय तो ठीक है लेकिन थोड़ा साल बजे देख जो है बीमारी आवेला एडी हार्ट अटैक की बीमारी पहला को नहीं पड़ा मैं उन ला गया मैं बेहतर आदमी नहीं हार्ट अटैक आ जावे, कैंसर की बीमारी भी आम हो गई है, डायबिटीज तो मत पूछो थे हर तीजे आदमी ने डायबिटीज है हिंदुस्तान के अंदर आ हालत है, लेकिन और वाला टाइम में देख जो है आंगली वाली तकलीफ आनी शुरू हो जाला क्योंकि मोबाइल रान एड़ा आ गया तो हैंग बीमारी एड़ी लागन लाग जाला। मैं निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों कि आप अपने जीवन में अगर स्वस्थ होना चाहते हो, अपने आप के जीवन की हंसी मुस्कुराहट को जिंदा रखना चाहते हो तो मैं कहता हूं अपनी जेब में रखो या ना रखो मोबाइल, पर चेहरे पे रखो हमेशा स्माइल, ये स्माइल को मत खो देना मोबाइल के चक्कर में। अच्छा मोबाइल यूज नहीं करना ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोबाइल यूज करो ऐडी बात नहीं है, क्योंकि आज मोबाइल यूज करिया बिना काम हुए कोनी, अपना सारा डाटा ही में पड़िया है, आज कटे भी जाओ तो लाइसेंस बताना ये बताना वो बताना सब ही में पड़िया है, उन्हें अलावा भी आपने बात करनी पड़े मैसेज भी पढ़ना पड़े, बिल्कुल धन तो आपने कर लो है, तो मैं कोई ऑर्थोडॉक्स तो हूं नहीं कि बस रूढ़िवादी परंपरा से चले, मोबाइल यूज तो करिए बिल्कुल करिए लेकिन जैसे आप गीता हमेशा साथ नहीं रखते केवल सुबह शाम थोड़ी याद आवे उन टाइम दिया बत्ती करो हो तो सज्जनों गीता हमेशा हाथे को नहीं रखो तो मुझे मोबाइल में हमेशा क्यों लागो डरे वो हो, उसका भी तो टाइम फिक्स कर दीजिए। और एवरीथिंग एक्सेस इज पॉइजन, हर चीज कोई ज्यादा हो जाए तो वो जहर का काम कर जाती है, ऐसे ही मोबाइल का इस्तेमाल तो करना है, फेसबुक तो चलानी है, व्हाट्सएप तो चलाना है, बिल्कुल चलाना है, लेकिन उन्हें साथे साथे उन्हें लिमिटेशन भी बांध देनी है ताकि अपना जीवन बिगड़े नहीं। अच्छा अब दूसरी बात बताता हूं, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात युवाओं के वास्ते बहुत सुंदर बात बताने जा रही हूं और वह है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, जितनी नकारात्मकता आपके जीवन में भर जाएगी उतना आप डाउन में चले जाएंगे और नेगेटिविटी की कर दूर वाला। आप जैसे नेगेटिविटी का मतलब, नेगेटिविटी का मतलब वो है कि साहब कोई छोरो है पढ़ नहीं चावे, वो पढ़ नहीं चावे वो दोस्त ने कह दे या बूढ़िया ने कि नहीं कह दे
क्या मैं मार तो पढ़ाई करनी है, मार तो जज की कलेक्टर बनना है। अब जो ही बोली क्या मैं कि मारे कलेक्टर बनना है, ये तो एक मैं छोरा भी नहीं हूं देखने लगे पकड़ नु बोल करे कलेक्टर कलेक्टर कांस में मुंडो जोयो कमेंट देखो छोरा रा, अरे मुंडो धोयो, अरे रिकॉर्ड तो देख थारे, कोई हाथ पीटी में भणियो कलेक्टर छोड़, कोई बाबू ही भणियो कलर की भणियो, कोई कलेक्टर तो छोड़। अब वो ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे उस लड़के को, वो तो पटी ढेर, वो गए यार छोड़ो अपने तो विचार करो नहीं गुना है, बनना तो दोहरो विचार करो नहीं गुना, मैं विचार कर ले तो कहीं बड़ी बात, विचार तो कर सकता है। और आदमी कैसा बनता है, आदमी जैसा विचार करता है वैसा ही आदमी बनता है, हमेशा याद रखना। आपके दिमाग में हमेशा अगर गलत विचार आते रहेंगे तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे, अच्छे हो पर गलत पर चले जाओगे, और अगर विचार अच्छे रहेंगे, ये स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि तुम वैसे ही हो जाते हो जैसा तुम सोचते हो, अगर सोच आपकी अच्छी है तो एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल हो जाएगी, मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो विचार चोखा रखना, नकारात्मक चिंतन नहीं रखना, नेगेटिविटी नहीं रखनी, कई अड़ाई हो चे और विचार अड़ो हुए जन विचार परिणाम भी अड़ो जाए। एक आदमी हो, वो आदमी हो जो कभी ने घरे भैंस पालोड़ी, भैंस पालोड़ी, भैंस ने चारो चरावे, भैंस ने पानी पावे, पर भैंस रहा सिंगड़ा यू आम ही हम ही आयोड़ा काफी जगह भी है। अब एक दिन वो भैंसरा सिंगड़ा ने गोरन देख और मेरे मन में विचार आयो कि भैंसरा सिंगड़ा बड़ा स्टाइलिश है, जबरदस्त यामी आयो डाल बिच जगह का सी, हमारी भैंस स्पेशल है पर ये सिंगड़ा भी स्पेशल है और जगह भी कासा है। तो एकदम मन में विचार आयो कि जगह तो है पर भैंसरे सिंगड़ा रे बिच जगह आ जगह है, अटे मारो माथो आवे कि नहीं आवे। अब ओचो तो केड़ो ओचो बोलो कि अटे मारो माथो आवे कि नहीं आवे, ओ कोनी ओचो कि मारी भैंस दूध की कर ज्यादा दे सके, मारी भैंस ने और मजबूत बनावा, शक्ति मिले, पौष्टिक आहार देवा, वो तो की गणित लगायो कोनी, लगायो गणित तो कि हिंगड़ा मोटा है जगह है मतो आवे कि नहीं आवे, विचार करियो रे मतो गाला की गड़बड़ होगी तो भैंस भिड़गी तो अपने गड़बड़ हो जा छोड़ो। पर घरे भैंस पाली रोज भैंस ने देखे, अब देखते हिंगड़ा देखे, हिंगड़ा देखते विचार हो जाए अपडेट, अब कहीं करे कई महीना बीत गया, छह महीना निकाल दिया, विचार करियो रे मैं आज तो मन में आएगी मैं तो देखी लागी जू भाई, पर एक मत तो गाल दो भाई, आप रमा तो भैंस हिंगड़ा रे पीछे गाल दी, हिंगड़ा रे पीछे मत तो गाल दियो ठंडा है भैंस, भैंस देखियो रे आज ओ कहीं हटे गयो है, भैंस तो खुद ही एकदम चकमीज गई, लेकिन पचे भैंस तो एकदम यू मुंडो ऊंचो करियो तो भाई आगे टिरे लिपटाला जीव, अरे हमें बाप भैंस पूरे गाँव में फिर गई, गाँव वाला देखियो, गाँव वाला ने भण गयो तमाशो, ओ क्यों जानवर आयो आज ओ खाई पचे देखियो जन था अपने रहो तो फलाड़ो है अपनो भेज रहे आके किकर तिड़ियो है यू किकर है उन्हें क्यों यू कहीं करियो, वो क्यों बल्ला निकालो तो करी जीव त्यू करण भेज ने लोग पकड़ी बिने निकालियो, पचे क्यों रे बल्ला आदमी यू कहीं करियो रे, ओ काम करनो पहला थने थोड़ो ओचनो तो हो, थोड़ो विचार लो तो हो, वो क्यों साहब विचार तने छह महीना होया है, कोई आज थोड़ी विचारियो, विचार तने छह महीना होया है परंतु विचार ही एड़ा है तो परिणाम भी निकलेला। इन वास्ते हमेशा विचार रखना चोखा, सोच हमेशा अच्छी रखिएगा और ये सोच रखिएगा चलो कोई बात नहीं, अब तक जो जिंदगी हमने जी ली वो जी ली, अब तक जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अब मेरा जन्म इस दुनिया में हुआ है और ईश्वर ने मुझे भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा राज्य और राष्ट्र मेरे ऊपर गौरव करेगा, ये हमारा काम होना चाहिए, नेगेटिविटी कभी नहीं रहनी चाहिए। एक सच्चा और असली उदाहरण देकर के निवेदन करूं और उसके बाद मेरी बात को मैं पूरा करूंगा। सज्जनों जका बुजुर्ग बैठा है अब दसो निवेदन करनी चाहूं कि ए आप ही बेटा है और ए आगे बढ़नी चाहे तो थैया ने आगे बढ़ू ने मदद कर जो हो, ए माता जी है नी, माता जी रे हाथ में चक्र होया करे, माता जी रे हाथ में तलवार होया करे, माता जी रे हाथ में त्रिशूल होया करे, माता जी रे हाथ में डाल भी होया करे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ बुजुर्गों से कि आप अपने बच्चों के लिए डाल बनना और बच्चों की खामियां नहीं खूबियां देखना और इन बच्चों को और प्रोत्साहित करना कि बेटा खूब आगे बढ़ो, बेटा खूब आगे बढ़ो, उन वास्ते जो प्लेटफॉर्म आने देनो पड़े तो वो देने की कोशिश कर जो, और थे कहीं नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, पर मारो हाथ जोड़न निवेदन है कि कम से कम इनको अच्छे काम से रोकना मत और कोई गलत काम करे तो ढाल बन करके खड़े हो जाना का बेटा आड़ो काम कर जे मत, ए दो बातें याद रख ली तो थाना बेटा वास्तव में थानो नाम रोशन कर देवेला। एक बार राजकोट री बात है सज्जनों, आप यूट्यूब माते भी देख सको उनी घटना, बिल्कुल सच्ची घटना राजकोट री घटना है, मतलब माँ बाप किन प्रकार बच्चे ने आगे बढ़ा सके, मैं बाबा निवेदन करनी चाहूँ, नहीं तो आजकल का ये कहो हो जाया करे
કે હરેક મા બાપ ને દુજડો જ બેઠો ટોકો ચોકો લાગે કુદરત ચોકો લાગે જ કોણ કે મારો તો અડી જ મારો તો અડી જ ઉને ઇતો ઉને કર દેલા ફ્રસ્ટ્રેટ થતો કે કોને થતો પડે કોણ થું આડો થું યુ કર કર બોગે વા મે તો કે કામ જ કોઈ તો ઇતના ભી નેગેટિવ નહીં બનાના બચ્ચે કો કેસે બચ્ચે કો આગે પઢાયા જા સકતા એક વાર રી બાત રાજકોટ રી બાત કે રાજકોટ રે અંદર એક બચ્ચો બીરો જન્મ હોન વાળો હો ગઈ લુગઈ હોસ્પિટલ મે ભરતી હુઈ ડિલિવરી નો સમય હો ઓર જબ બીરો છોરા રો જન્મ હોયો તો છોરા રો જબ જન્મ હોયો તો બિન છોરે રે होट नहीं नाक नहीं आंखिया नहीं अब ऐडी हालत और डॉक्टर कह दियो कि ऐसा बच्चा जन्मा है आज तो आज परिवार वालों ने ठाप पड़ी परिवार में बाप ने ठाप पड़ी दादा ने ठाप पड़ी कि एडो छोरो जन्मियो है और डॉक्टर कहो इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता ओ बच्चो एडो ही रहेला और ओ बच्चो कई काम नहीं कर सकेला कई नहीं काम आवेला ये बच्चे का दिमाग भी फैले नो घणो दिमाग भी कोनी है और ऐडी बात है और कायदो तो कोनी है लेकिन थे को तो मैं अबार फैसलो ले सकूं थारी सबरी सहमति में बोले कई बोले एक इंजेक्शन लगा और छोरे ने मार सको क्योंकि थाने काम तो क्या आनो नहीं हो बच्चों के मतलब को हकीकत सच्ची घटना है आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो उसको और ये लड़का काम आने वाला नहीं इंजेक्शन लगा कि मैं इसको खत्म कर सकता का ऐसी बाहर मारो जीव तो मारो जीव लेकिन बाप ने ठाप पड़ी बाप एक बार तो ओचो गया बात तो सही पर पछे दादा ने ठाप पड़ी वो दादो होनी दादो वो बड़ो जबरदस्त तो जो बुजुर्ग बैठा है सुन जो दादो बड़ो जबरदस्त वो क्यों रुको डॉक्टर ये फैसला तो हमारा होगा तेरा नहीं काम थने करो इंजेक्शन थने लगाओ पर फैसला तो मैं कर रहा लगाओ नहीं लगाओ रुक जा तू और वो बात करी अपने परिवार वालों ने और कहो कि देखो छोरो तो मैं जड़ो जन्मे वो थन था पड़को बिना ना कहा होट की है कोई तालू नहीं था अंदर तक बोलो वो बोल नहीं सकता था देख नहीं सकता था ऐडी सती दिमाग काम नहीं कर सके लेकिन दादा कहो सुनो मैं एक बात निवेदन करूं मैं पॉजिटिव वालो आदमी हूं मैं हमेशा सकारात्मक चिंतन रखने वाला आदमी हूं मारी बात माते थे थोड़ा सा भरोसा करो कि ओ सारे ब्रह्मांड ने चलाने वालों कौन है भगवान और ब्रह्मांड में अपा बिहार ओ अपो एक टाबर भी आज आयो है तो इन ब्रह्मांड पूरे रो जको ध्यान रखे जको कीड़े रो ध्यान रखे वो इन टाबर रो ध्यान कौन रख सकेगा वो भगवान है और वो इतने भेजियो है तो जरूर कोई न कोई हो समझन भेजियो बेला और थे क्या हो क्या तो आड़ो भेज दियो मैडा ने कहीं रखा तो सुनो मारी बात कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट बनावे और क्वांटिटी बहुत जबरदस्त हुए हजारों लाखों में प्रोडक्ट बने लेकिन लाखों प्रोडक्ट में कोई कोई प्रोडक्ट 5-10-15-20 खराब भी पीस निकल जाए निकले नहीं निकले और खराब पीस निकल जावे जब कंपनी बिग पीस ने मार्केट में तो कोनी बेचे क्योंकि मेरी साख रो सवाल है मेरी इज्जत रो सवाल तो वो पीस मार्केट में तो नहीं बेचेगी खराब पीस है लेकिन एक बात है उसका करेगी भी क्या तो वो क्या करती है आप जका खास रिश्तेदार हुए सगा हुए डने फ्री में दे देवे बोले थोड़ी सी तो मिस्टेक है परंतु ये आप रखो और हम इसका पैसा नहीं लेंगे कीमत तो बहुत है इस प्रोडक्ट की लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं लेकिन वो फ्री में भी देगी तो सगे वाले को देगी रिश्तेदार को देगी हरेक को नहीं देगी और इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान इतने पीस निकालते हैं उसमें से एक आध पीस खराब भी आया है पर हम भगवान के खास रिश्तेदार होंगे इसलिए भगवान ने ये हमको दिया इसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हम इसको लेंगे हम इसको जिंदा रखेंगे और मारी आत्मा कह रही है कि इनो नामकरण मैं करनी चाहूं कोई ज्योतिषी से नहीं करूंगा मैं नामकरण करनी चाहूं कोई टीपना देखने जरूरत नहीं कोई राशि की जरूरत नहीं है लेकिन मारी आत्मा नाम निकल रही हो इन बच्चों का नाम मैं करनी रखनी चाहूं तो क्या साहब दादाजी आप इतनी बात कह दी तो मैं मंजूर है आपकी बात मंजूर है बोलो नामकरण करो और उन्हीं टाइम दादाजी बिरो नामकरण कर दियो और कहा कि इस बच्चे का नाम मैं उत्तम रखना चाहता हूं और इस उत्तम को सर्वोत्तम बनाना अब हमारी गारंटी है इस परिवार का फर्ज है हम जो भी बनना होगा वो हम करेंगे वाह साहब छोरो ने लिया घरे उन्होंने ध्यान रखियो और छोरो जीज गयो मतलब मरियो को नहीं बच्चा जी गया अब सजरो बच्चा जी गया धीरे धीरे बड़ा हुआ माँ ध्यान रखती डॉक्टर लोग भी आता चेक वेक करता रहता धीरे 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 छोरो मोटो हुयो और बाद में बाप रे मन में आयो कि अब इन बच्चे ने कहीं ना कहीं सिखाना तो है इसको कुछ कुछ किया जाए तो उन्हें योगा री प्रैक्टिस भी जी शुरू करवाई तो थोड़ा दिमाग भी जो धीरे धीरे चलन लग गयो और बीरे बाद में बिन छोरे ने हुड़ा हुड़ा क्योंकि कान तो बराबर हा हुड़ा हुड़ा उन्होंने याद करा होता बेटा तू सुन पढ़ नहीं सकता तू सुन और उन्हें सुना होता 5 मिनट कड़ी बाप देतो कड़ी माँ देवती कड़ी दादाजी बैठा देता और बिरे बैठा होता और धीरे 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 बच्चे रो दिमाग भी सज्जनो क्योंकि विज्ञान रो नियम है कोई चीज अगर पड़ी राख दे तो बात जाम जाला और इन्हें यूज शुरू कर दियो तो जाम योड़ी में तो ही चलने लग जाला तो धीरे 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 दिमाग भी बिरो
चलन लग गयो। यूथ के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है ये हकीकत की घटना। और सुनो, उसके बाद उस बच्चे के अंदर इतना दिमाग हुआ शुरू हुआ सज्जनों कि वही लड़का आगे 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 पढ़ता गया, धीरे 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 वो टूटो फूटो बोलन भी लग गयो, क्योंकि जो सुनेगा उसके लिए उसकी जो इंद्रिया है वो बोलने के लिए भी प्रयास करेगी। और प्रयास करता करता वो छोरो बोलन लग गयो, और बोलता बोलता पछे और स्कूल में भर्ती करायो, स्कूल के अंदर पढ़ाई शुरू हो गई। और तो और सज्जनों, एक म्यूजिक टीचर था, उसके पास में गया, उसने कहा मेरे को म्यूजिक सीखना है। एक बार मास्टर क्यों तारे बेटा बसरी बात नहीं है, अटे कटे तू तो हाव यू यू योड़ो है, आधो अधूरो तो है, तू तो कहीं सीख। वो क्यों साहब मारी मर्जी है और मैं मरण टाइम गणो ये मैं ही को। और उन म्यूजिक टीचर से म्यूजिक सीखने लग गयो। आज की तारीख में वो बच्चा 10वीं पास कर चुका है, कॉलेज में अब पढ़ता है। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, उस लड़के का नाम उत्तम मारू है, यूट्यूब पर देख लेना। अच्छा गाता है, अच्छा तबला बजाता है, अच्छा हारमोनियम बजाता है, और तो और अच्छा गिटार बजाता है। और सज्जनों अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। अब सोचो आप थोड़ा सो विचार करो, एक वो समय हो उन्हें जन्म रो जिन टाइम डॉक्टर कह दियो, इतो पढ़ियो लिखियो विज्ञान रो नॉलेज जिन डॉक्टर ने है, जो MBBS की डिग्री ली है, वो डॉक्टर कह रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तुम कहो तो एक इंजेक्शन लगा करके इसको वापस भेज दूं भगवान के पास। लेकिन उसके लिए उसके दादा और उसके पापा ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, और वो बच्चा इतना टैलेंटेड बन जाता है। इसका मतलब अगर माँ बाप चाहे, अगर थोड़ा सा परिवार को सपोर्ट मिल जाए आप युवाओं ने और बच्चों ने, तो सज्जनों आप बहुत कुछ कर सका। आपों ने तो भगवान हाजा ताजा बनाया है, आपने तो ना अगर कान भैंक ठीक है उन्हें तो नहीं रेड़ो हो, पर अपने तो सब भगवान की मेहरबानी है। तो फिर किस बात की शिकायत करते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, मऊ हमें बेबाता कोनी वे, मऊ पढ़े लिखाई कोनी वे। आप सब कुछ कर सको हो, यही जमाना है आगे बढ़ने का। और अगर आपने ठान लिया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो अमेरिका दादा बना हुआ है सारी दुनिया का, लेकिन आप अगर जग गए युवाओं तो कल हमारा समय है, भारत दादा बनेगा और सारी दुनिया को रास्ता प्रदान करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश हमारा भारत है। तो आप भारत की जनसंख्या बड़ी है, इसमें निश्चित रूप से आप 10 तरह की बातें कह सको कि ठीक नहीं है, बाहर है न वो है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी भी तो हो सकती है कि भगवान ने हमको अच्छा किया है कि हमको आगे बढ़ने का मौका दिया है। अगर इतनी जनसंख्या हमारे पास में है और सब अगर अच्छे काम में लग जाए तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। अमेरिका के अंदर इतनी जनसंख्या को नहीं हो, अमेरिका अगर होती तो ऐसा नहीं करते। लेकिन सज्जनों अपने कने है तो इन बचा में उपयोग करो, ओड़ो जगह तो उगो, अब प्रयोग अच्छा हो जाए तो जीवन अच्छा बन जाए। शिक्षा लेना जीवन में, मैं कहता हूँ भिक्षा से बचना है तो शिक्षा को अपनाना है। नशा पतों दूर रही जो हो आ सब वो मोटी बात है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल आप खरीदो हो और बिने अंदर अगर आप पेट्रोल डालो तो पेट्रोल ही डालो, केरोसिन घणो ही सस्तो आवे, गैस तेल घणो ही सस्तो आवे, पर वो को नहीं गालो, क्यों के यार गैस तेल गाल दियो तो इंजन खराब हो जाला। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ 150,000 की बाइक है भी मैं थे गैस तेल कूट पर इंजन खराब को नहीं करो, इतो थाने समझदारी है, ध्यान रखो हो तो भगवान तो कहीं कितो ही महंगो इंजन अपने दियो है वो मनुष्य शरीर रो। और सज्जनों इनमें दावे जो गुटका शराबन तंबाकू की अरे इसमें अगर बिजार गाल गुलानी इंजन में क्यों खराब करो हो, अरे वो इंजन खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, दूजी बाइक भी आ सके है, परंतु ये अगर खराब हो गया तो गए काम से। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मनुष्य जीवन को अच्छा बना लेना, बढ़िया बना जो, चिवन चोखो राख जो, संग चोखो कर जो। कई लोग मीठा बोलनिया वेला, कई लोग फूट रहा थाने लागता वेला, एक उम्र एडी हुए उन टाइम अपने लागे यार वो तो मारो जिगरी दोस्त है, वो तो मारी जान है, मैं माँ बाप ने छोड़ सकूं पर इन्हें नहीं छोड़ सकूं, एडी एडी सिचुएशन खड़ी कर देवे वे लोग आपने सामने कई बार हुए कि नहीं हुए, पचे घाटो भी खानो पड़े कई बार, धंधे में पार्टनर धोखो दे दिए कड़ी की हो जावे, स्कूल की टाइम में गड़बड़ हो जावे, कड़ी की हो जावे, क्योंकि मैं दोस्त वो अलग डंगरा हुए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ दोस्त बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हमें परख नहीं होती। दोस्त दो आस्थाएं जहां मिलती है उसको कहते हैं दोस्त, लेकिन याद रख लेना कि दोस्ती से पहले उसके खानदान को पहचान लेना कि भाई तू कौन है, तू कौन है, तू कटू आयो है, तार माँ बाप कहीं करे। अब मैं आजकल तो ऐडा मिल गया साहब के मुंडो उठान पीर हो जाए छोरो, अरे बाप पूछे ही जाओ बेटा मार दोस्त है, दोस्त है घूमन, अरे क्यों दोस्त क्यों दोस्त ओ कौन है कटारो है, माँ कहीं करे, बाप कहीं करे, भाई कहीं करे, थन की ठा है क्या, हाँ मन की ठाकुर, अरे जात गए बोलबन ठाकुर, नाम ठा है कि नो नाम है, तो वो दोस्त की करूँ तन परिवार उठाकू नहीं, माँ बाप उठाकू नहीं, पचे तार दोस्त की करूँ कि एक दिन बीड़ी पई लो ये देख मैं दोस्ती, एक दिन व्हाट्सएप मैसेज आयो बस ये देख मैं दोस्ती, एक वीडियो भेजियो बस ये देख मैं अपना तो बस दोस्ती होगी, अरे क्या दोस्ती, अरे पलाओ तो पतो लगा
दोस्ती करना बुरा नहीं है, दोस्ती करो, लेकिन पहला वो तो ठा लगा कि वो दोस्त है, एक दोष है, पहला वो तो पता कर ले। अगर वो दोष है दोस्ती के नाम पर तो क्या मतलब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं तार्किक बात कि रास्ता कई बार अच्छा दिखता है पर रास्ते अच्छे देख करके गाड़ियां नहीं चलाई जाती है, पहले मंजिल का पता लगाया जाता कि ये रास्ता जाता कहां है, उसके बाद गाड़ी का टॉप गियर लगाया जाता है। ध्यान रख, समझ गए थे हमारी बात इशारे में कि रोड तो बढ़िया दिखे है, एकदम दही जड़ी रोड है, पर आगे खड्डा में जाओती है तो। और कई बार ऊबड़ खाबड़ रोड हुए हो, बागड़ी स्पीड तो नहीं बढ़ा सके, फुल टाइम टॉप गियर तो बोल लगन दे गाड़ी रो, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रोड भी माता जी ने मंदिर जा रही है तो हमें तो माता जी से मतलब है, हम उस रोड पे भी चलना हमें स्वीकार है। ऐसे ही दोस्त अगर अच्छी मंजिल की ओर ले जाते हो तो वो कभी डांटते भी हो, फटकारते भी हो, बुरे भी लगते हो तो उनका संग रखना, लेकिन जो आपको अच्छे लगते हो और गलत रास्ते पर ले जाते हो तो मेरा निवेदन है तब कोई और याद ना आए, पर मेरी बात अगर आपको याद आ जाए तो मैं भी आपका ही साथी हूँ, मुझे याद करके या मेरी बात को याद करके उस वक्त निर्णय अच्छा लेना और अच्छे आदमी का संग करना और बुरे आदमी का संग छोड़ देना तो जीवन आपका अच्छा बन जाएगा। ये मुझे आप सब लोगों को निवेदन करना है। तो संग चोखो राख जो, जीवन चोखो बना जो, ऐ बाता आप योमरे वास्ते मैं रखी हूँ और माता बनोरी बात भी मैं आप लोगों ने बताई हूँ। बाता तो घनी सारी है, मैं क्या करूँ, यूट्यूब माते आप मने सुनता होला, कृपा राम जी ऑफिशियल नाम रो यूट्यूब चैनल, हालांकि वो कार्यक्रम भी अठे सोन जी जो को चैनल है उन माते आवेला और लाइव भी चल रही होला तो मन ध्यान को लाइव चल रही हो ओ, बाद में अपलोड वेला कार्यक्रम और यू मारो खुदरो चैनल बनेडो है कृपा राम जी ऑफिशियल, उन माते उन भी आप सब्सक्राइब कर जो, तो सब्सक्राइब करोगे तो उस पर मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, आप लोग सुन जो, आपने भी कभी काम आवेला क्योंकि मैं आपके लिए ही काम करता हूं और यही मेरा जीवन है कि मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए काम करूं तो मेरा जीवन भी सार्थक हो सकता है। और संत होकर के एक इस रास्ते पर चला हूं, ये नई सोच के साथ मैं जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे पता है बहुत सुनना भी पड़ेगा मुझे, लेकिन उसके बाद भी मेरा इरादा अच्छा है और रास्ता अच्छा है तो मैं निवेदन करता हूं कि दुनिया कह दे इस रास्ते पर मत जाओ पर आत्मा अगर कहती है तो जाना होगा, और दुनिया कह दे रास्ते पर जाओ पर आत्मा मना करती है कि गलत है तो आत्मा की पहले सुनना, बाकी दुनिया तो भाई भाड़े में ठीक है। तो छो के रस्ते हालो है आप रे वास्ते मैं वो काम करिया करूँ, एक फेसबुक पे पेज बढ़ियोड़ो मारो मैं भी जो को कृपा राम जी नाम सो पेज है उन्हें आप फॉलो कर सको तो हमारे कार्यक्रम वा सारा अपडेट्स वगैरह आप लोगों ने प्राप्त होता रहे, करीब 54,000 उन्हें फॉलोवर्स है जगह, वो मारो ओरिजिनल पेज है क्योंकि मारे नाम रखे ही फेक पेज चला हुए इन वास्ते मैंने कहना पड़े बाकी कोई बात को नहीं। तो 54,000 जिसमें फॉलोवर्स है वो मेरा असली पेज है। उन्हें अलावा युवाओं रे वास्ते अभी 9 वर्ष पर हमने पेज नया पेज लॉन्च किया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूनिक थॉट करके, उन पेज रो नाम है यूनिक थॉट, मतलब यूनिक थॉट मीन्स एक डिफरेंट आइडिया, एक नई सोच, एक अलग तरह के विचार आदमी रे सामने रखनो जिनसे अपने मार्गदर्शन प्राप्त हुए। तो सप्ताह रे हर शनिवार ने एक नयो थॉट मारो उन माते पोस्ट होया करे और वो एक नयो थॉट हुए बिल्कुल अलग अंदाज में हुए, बिने पढ़ोला तो भी थाने बहुत एनर्जी मिलेला और जीवन के प्रति नजरियो बदलेला, तो इन सबसे जुड़ना और जीवन को अच्छा बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुरधर देवासी समाज राजस्थान इन सब बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, इस समाज को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने माता जी के चरणों में ये बहुत सुंदर भक्ति संध्या का आयोजन किया है और इस शाम को बिल्कुल रोशन कर दिया है और आपकी जिंदगी को भी रोशन कर दिया है। जितने भामाशा इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जका लोग आपरो तन सो मन सो और धन सो योगदान दियो है ब्या सब लोगों ने बहुत बहुत साधुवाद है और आप भावना जका लोगा नहीं रही ब्या सब लोगों ने भी बहुत बहुत साधुवाद मैं ज्ञापित करूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा आपका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, आप धनी भी बनते रहे और आप धन्य भी होते रहे, ऐसे अच्छे काम में पैसा लगाकर धन्य भी हो जाएंगे और धनी भी बन जाएंगे। ऐसी ही कामना के साथ मेरे शब्दों को विराम, दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना गिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना गिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, युवा शक्ति के लिए कृपा राम जी बहुत कुछ बोलते हैं, आज भी आप लोगों के लिए कहा कि हमेशा आगे बढ़े, हताश निराश नहीं हो। बहुत सुंदर बात कृपा राम जी कही, एक भजन सुनेंगे हम प्रहलाद जी से, एक एक भजन हमारी इच्छा थी कि हमने सुना हमारे सोन जी को, एक भजन प्रहलाद जी से सुनेंगे, एक भजन हमारे नैना राम जी, कृपा राम जी रो अबार रो प्रवचन टापू हणिया चल रही है जो 19 तारीख रा विराम बेला
19 तारीख को ही जोधासी में कथा चल रही है, शाम रो प्रोग्राम जोधासी है, कल रो भी प्रसन्न रो प्रोग्राम ठेठ जालोर करने आलसन है, रोज रा प्रोग्राम रात रा अलग रहे दिन रा अलग रहे, तो ज्यादा समय तो मैंने